हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम लोग ट्विस्टेड क्यूब में कुछ अमेजिंग पैटर्न बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। और जिसको जिसको भी फिशर क्यूब में या 3x3 रूबिक्स क्यूब में पैटर्न बनाना सीखना है, मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पिन कर दिया, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ट्विस्टेड क्यूब में पैटर्न बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 फेस चेकरबोर्ड पैटर्न बनाने वाले हैं। तो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसा लगा था हमारा, वैसे वैसे अप्लाई करें तो आप लोग को बहुत अमेजिंग पैटर्न बनेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। B2, L2, F2, L2, B2, F2, R2, U2, D2। तो ये वाला एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आप लोग का भी पैटर्न बन गया होगा। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पैटर्न है डॉट पैटर्न। तो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे एल्गोरिथम आ रहा है, वैसे वैसे अप्लाई करें तो आप लोग का बहुत अमेजिंग पैटर्न बनेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। L R-U-D-F-B-R-L। तो ये एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आप लोग का भी डॉट पैटर्न बन गया, कितना अमेजिंग लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न बनाते हैं। तो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे एल्गोरिथम आ रही, वैसे वैसे अप्लाई करिए तो आप लोग का बहुत अमेजिंग पैटर्न बनेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। R2 F2 L2 B2 R2 F2 L2 B2 R2 F2 L2 B2। तो ये एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आप लोग का भी पैटर्न बन गया होगा। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न को बनाते हैं। तो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे एल्गोरिथम आ रही, वैसे वैसे अप्लाई करिए तो आप लोग का बहुत अमेजिंग पैटर्न बनेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। M2 B2 M2 B2 F2 B2। तो ये एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आप लोग का भी पैटर्न बन गया होगा। तो देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। अब हम लोग का लास्ट पैटर्न है क्यूब बिना क्यूब पैटर्न। तो चलिए बनाते हैं। तो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर जैसे एल्गोरिथम आ रही, वैसे वैसे अप्लाई करिए तो आप लोग का बहुत अमेजिंग पैटर्न बनेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। U-L-U-F-U-R-F-। तो ये एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आप लोग का भी क्यूब बिना क्यूब पैटर्न बन गया होगा। और जिसको जिसको भी 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीखना है, मैंने कमेंट में फुल वीडियो डाल दिया, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगली वीडियो किस क्यूब रिलेटेड पे चाहिए आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।